500 यूरो में आप कितनी शॉपिंग कर सकते हो। तो हाँ जी भाई, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज मैं पहली बार ऐसा व्लॉग बनाने जा रहा हूँ जो कि एक शॉपिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि हमारी कंपनी ने क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे हमें ये 250 यूरो के ना कार्ड दिए। तो हमारे पास दो कार्ड है, एक मेरे पास है, एक शिव के पास है। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि 500 यूरो में आप कितनी शॉपिंग कर सकते हो। तो इसका ना एक बस ये है कि ये डंडरम शॉपिंग सेंटर है, सिर्फ वहीं चलेगा। तो हमें वहाँ जाना है, देखना है फिर वहाँ पे क्या क्या शॉप है, क्योंकि हमें ऐसा कुछ आइटम है नहीं जो कंपलसरी है कि हमें खरीदना ही हो। बट हम ट्राई करते हैं कि देखो कपड़े तो लेने होते ना, तो ले लेंगे। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक ही चीज में या कि मतलब कि शूज में या फिर ज्यादा हैवी कपड़े में मैं ना फूकूं ये, क्योंकि मेरे को इंडिया भी जाना है अप्रैल में। तो हो सकता है मैं शॉपिंग के बिहाफ पे भी सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ले लूं। ठीक है, तो देखते हैं 500 यूरो में हम कितना सामान आज लेके आते हैं मैं और शिव। ठीक है, मिलते हैं आपको वहां पहुंच के। तो भाई इस बार ना पता नहीं क्या होगा, पिछले लास्ट एक वीक से ना हवा इतनी जोर से चल रही है, 40-35 किलोमीटर पर आवर, और समझ नहीं आ रहा पता नहीं क्यों हो रही है। पहले पड़ती थी ना, पहले जब हवा होती थी मुश्किल से मुश्किल 2 दिन 1 दिन, और भाई एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है कि हवा कंटिन्यूस चले ही जा रही है। मतलब बाहर निकलने का मन भी नहीं करता, लेकिन फ्री के पैसे नहीं होते ना, मैं कतई नहीं जाता, मेरे पीछे पड़ता रहता जाओ मैं निकलता ही वो तो फ्री के पैसे नजर आ रहे हैं मुझे, चल रहे हैं शॉपिंग करने। तो भाई ये लड़कों का आइटम देखना है, तो इतनी प्यारी प्यारी चीजें भाई, ओए होए होए, देखो ये वाला कौन सा लिया जाए, ये या इतने सारे रखे हुए हैं कान के, देखते हैं चलो सेलेक्ट करते हैं। ये वाले अच्छा, तेरा वाला। तो भाई शिव कह रहा मुझसे कि स्नीकर टाइप लेने के लिए, बट मेरा मन नहीं है भगवान कसम स्नीकर लेने को, मेरा मन है स्पोर्ट्स लेने के लिए। स्पोर्ट्स की जो रेंज आ रही है वो जा रही है 100-150, इतने खर्च नहीं करने। तो भाई अभी अपन आए हैं H&M, यहाँ पे देखें कुछ कपड़े वपड़े, या जब पैसा जेब में हो ना कुछ पता नहीं लगता क्या लेना है क्या नहीं, बाकी देखते हैं। चलो अभी हुड पसंद आई है, इसका मीडियम ढूंढ रहे हैं। ओए क्या लग रही है भाई मस्त, अब अपन भी MT वाले हो जाएंगे। तो भाई अभी सिर्फ एक सामान पसंद आया हमें, बाकी देख रहे हैं क्योंकि वैरायटी ज़्यादा है और हमें देखने हिसाब से खर्चा हिसाब से करना है। तो भाई सारा सेल वाला आइटम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा साइज़ अवेलेबल नहीं है, जो पसंद आ रहा है या तो वो लार्ज है या वो एक्स्ट्रा स्मॉल है, तो मीडियम और स्मॉल तो मिलना ही नहीं भाई सेल में कभी भी। ये जैकेट ले टिकटॉकर वाली। तो भाई अब आए हम बक्शा जो भी है, लेकिन यहाँ पे अच्छा अच्छा आइटम है भाई, बड़े बड़े सामान है यहाँ पे। ये लेगा तू सेंटा क्लॉज बन के घूमेगा। तो भाई अब तक हम उड़ा चुके हैं, मैं उड़ा चुका हूँ 60 यूरो, और ये कितने 25 यूरो, ये 25 यूरो उड़ा चुका है। अभी तो बहुत टाइम है भाई, अभी तो और देखना सामान, चलो दिखाते हैं आपको। तो भाई अपन को पसंद आया एक लोवर, बट इस पर रेट नहीं लिख रखा सालों ने कहीं भी, तो पता नहीं लग रहा कितने का है। तो भाई ये जैकेट बहुत प्यारी लगी और तुम्हारे भाई ने ना उठा लिया ये, और ये पड़ी है कितने की, चलो देखते हैं बाकी। तो भाई अब आए हम सबकी फेवरेट जगह पैनीज, और यहाँ पे मेरे को लेने लोअर, क्योंकि मैं ऊपर के चीज़ों में बहुत पैसा खर्च कर चुका। तो भाई मैं कर चुका हूँ अब तक, और ये मिला के कितना 210, और तेरा कितना 130 इसका हो गया भाई, और देख लो क्या मस्त रौनक चल रही है यहाँ पे। तो भाई दिन में निकले थे, रात हो चुकी है, इतनी शॉपिंग कर ली हमने। तो भाई शॉपिंग करके अपना घर लौट चुके हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बैग शॉपिंग लेके आए, मतलब करके आए हम, और ये टोटल हमें पड़ा है जिसमें मेरा 210 यूरो का मेरा है और 130 यूरो का अप्रोक्स शिवा का है। तो भैया आने के बाद हम बना रहे हैं आलू के परांठे, मतलब शिवा बना रहा है आलू के परांठे, मैं सेकने में हेल्प कर रहा हूँ, और मेरे 2 दिन पुराने चावल गर्म हो चुके हैं जो कि ये रहे। तो भाई अपन का तो यही चलता है, मैं ज्यादा ले जाता हूँ और फिर मैं खाता हूँ नहीं, और फिर पुराने रखे हुए खा लो।
तो भैया पेट पूजा कर चुके हैं और अब आपको दिखा दें कपड़े और उसके बाद उनका प्राइस भी बताएंगे साथ साथ कि कितने की क्या है क्या चीज। बता देना कमेंट करके कैसे लग रहे हैं, अच्छे ना लगे बता देना, वापस करके आ जाएंगे। ठीक है चलो। तो भाई अपन आए एक ये जोगर टाइप लोवर जो भी आप बोलते हो, ठीक है। तो ये हमें पड़ा है अप्रोक्स 30 यूरो का, है ना, पेरिस से 25 का। तो ये भाई हमें 25 का। और ये सेक्सी जैकेट ना पहले कमेंट कर दो, बाद में बताऊंगा इसके प्राइस कितने। और इसके साथ ही जो ये टी शर्ट है तो मेरी रहती है। और ये लेके आए हमने स्वेट शर्ट, ठीक है, लोअर सेम ही है। तो ये पड़ी हमें 20 यूरो की पेरिस से। अगर आप पेरिस से कुछ भी चीज ला रहे हो ना, क्वालिटी सामान जो लाओगे वो आपको 20 से 30 के बीच में पड़ेगा। उससे नीचे जो भी लोगे उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेकार होगी, जैसे ही सोओगे ना। अगला दिखाता हूँ। और भाई चौथा आइटम है ये जिम की टी शर्ट, ठीक है, मतलब बहुत हल्की है इसलिए मैं जिम की टी शर्ट बोल रहा हूँ, जिम में पहन के जा सकते हो। और ये लोअर, ठीक है, ये आपका पड़ा था लोअर मेरे ख्याल से 25 का या 30 का, ठीक है, बिल है यार, बिल कौन देखेगा, 25 या 30 का लोअर पड़ा था ये। और ये 15 यूरो की टी शर्ट पड़ी थी। और भाई सबसे लास्ट में ये लाया हूं मैं H&M की हुडी जो की पड़ी हुई 40 यूरो की। और अब आपको बताता हूँ प्राइस जैकेट के, ठीक है। तो जैकेट ये मेरे को पड़ी है, ये कौन सा ब्रांड था नाम बोलिए उसका। तो ये जैकेट लाए थे हम ब्रश का, ठीक है। तो ये हमें पड़ी थी 70 यूरो जो कि हमारा सबसे महंगा आइटम है आज की शॉपिंग का, ठीक है। ठीक है, सेम लोवर सिर्फ भी लाया है, ठीक है। और ये एक टी शर्ट है उसकी भाई की कितने की, 20-30 ये कहाँ से ली थी हमने, पेनिस से ली थी ये वाली भी, ठीक है। और ये क्या है, ओ भाई ये लाया बन का सामान, होलिस्टर क्या है इसमें, हाँ होलिस्टर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और भाई ये जो शोरूम था ना बहुत महंगा था, ये कितने की थी, इस पर होगा 40, ये 40 की है भाई। देखो दोनों चीज़ सेम है बट फर्क देखो, ये ब्रांडेड है और ये नॉन ब्रांडेड तो नहीं कहूँगा इसको, पेनिस भी अच्छा ही अच्छा खासा ही है। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो मेरे पर्सनल है। और बस फिर दो चीज़, एक ये हुडी होती है भाई ने दिखा लिया, चलो छोड़ा ऐसे दिखा देते हैं। ये हुडी लिए भाई ने कितने की, 25। तो भाई अगर आप टोटल करोगे तो टोटल, अभी हम बिल भी दिखा दूंगा, जाना तुम देख प्राइमरी कहाँ पे अभी है। तो टोटल हमारी ओवरऑल शॉपिंग हुई है 360 यूरो की, ठीक है। तो इतना सामान आप ला सकते हो, कम से कम हमारे 10 जोड़ी कपड़े हम लाए हैं, 10 या 11 जोड़ी कपड़े, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, अच्छी ना लगी हो तब भी शेयर कर देना, तब भी लोगों तक पहुंचा देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। What they know about this, that, this, that. I got the bars looking like a little chit chat. Too thick with it, nah, never been that. Float is dead, you're my-